नमस्कार दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि मंगला गौरी व्रत वर्ष 2020 में कब कब है, मंगला गौरी व्रत कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, किस विधि से लोग पूजा करते हैं, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए मंगला गौरी व्रत किया जाता है। दोस्तों इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम देंगे, पूजा की विधि बताएंगे, व्रत का महत्व बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। दोस्तों ये जो मैं मंगला गौरी व्रत का दिनांक बता रही हूँ, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार के लिए है। अगर आपको आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई अवश्य दूंगी। तो सावन मास में आने वाले हर मंगलवार को माता गौरी को समर्पित मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। ये व्रत विवाहित महिलाएं जीवन साथी और संतान के सुखद जीवन की कामना के लिए करती है। भविष्य पुराण और नारद पुराण के अनुसार श्रावण मास में मंगलवार के व्रत रखने से सुखों में वृद्धि होती है। इस दिन देवी पार्वती के गौरी स्वरूप की पूजा होती है। मंगला गौरी सुहाग और गृहस्थ सुख की देवी मानी जाती है। महिलाएं अपने पति और संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। व्रत की विधि क्या है, तो इस व्रत को करने वाले मंगलवार को सुबह जल्दी उठे और व्रत करने का संकल्प ले, स्नान करके साफ कपड़े पहन ले, उसके बाद घर के मंदिर में भगवान के सामने कहे कि मैं पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धि और श्री मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। इसके बाद माँ मंगला गौरी यानी माता पार्वती की मूर्ति या तो अपने हाथों से बनाएं और नहीं तो जो फोटो है वो रखें, लाल कपड़े पर स्थापित करें, फिर आटे से बना दीपक घी भरकर जलाएं। पूजा करने के बाद माँ की आरती करें, माता को फूल, लड्डू, फल, पान, इलायची, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान इत्यादि चढ़ाएं, माता मंगला गौरी की कथा सुने, भोग लगाएं और सभी में प्रसाद वितरित करें। ध्यान रखें 5 साल तक लगातार मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें साल में सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत में जो मैंने पूजन सामग्री बताया, जैसे फल, फूल की मालाएं, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, जीरा, धनिया, सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। साड़ी सहित 16 सिंगार की 16 वस्तुएं, 16 चूड़ियां, इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के सूखे मेवे 16 की संख्या में, 7 प्रकार के धान्य होने चाहिए। इसके अलावा जो आटे का दीपक जलाया जाता है, इस दिए में 16-16 तार की 4 बत्तियां कपड़े की बनाकर रखी जाती है। सबसे पहले श्री गणेश का पूजन किया जाता है, उसके बाद माँ गौरी का। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को किए जाने वाले इस व्रत का आरंभ 7 जुलाई 2020 को मंगलवार के दिन से किया जाएगा और सावन माह के प्रत्येक मंगलवार के दिन इस व्रत को करने से और श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को इस दिन महिलाएं इस व्रत को मंगला गौरी व्रत को करेंगी। 6 जुलाई दिन सोमवार को श्रावण मास का पहला दिन है, तो 7 जुलाई को पहला मंगला गौरी व्रत होगा, 14 जुलाई को दूसरा होगा, 21 जुलाई को तीसरा मंगला गौरी व्रत होगा, 28 जुलाई को चौथा मंगला गौरी व्रत होगा और 3 अगस्त को श्रावण मास का अंतिम दिन होगा। तो दोस्तों इस तरह से श्रावण मास वर्ष 2020 में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे, 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई। आप इस मंगला गौरी व्रत को अवश्य करें, बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हर महिला को अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए मंगला गौरी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई अवश्य दूंगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।